तो मैं आप सभी लोग समझते हैं कि हमने मीटिंग कर दिया, बाइक का पानी बना दिया, टंकी बना दिया, आप सभी सभी चीजें आपने उसमें बता दी। और कभी कभी क्या होता है कि ये सब लगाने के बाद भी हमें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। मेंटेनेंस समझे, जैसे खराब हो जाएगा उसको कराना, निचला रख रहा इसमें जल को भी रखना है, जल को भी रिपेयर करना है, पाइपलाइन को भी रिपेयर करना है, प्लस जो नाली वाला पाइप होता है सीवेज उसको भी रिपेयर करना होगा। तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं विदाउट प्लम्बर के, यानी बिना प्लम्बर के भी उसको ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक आपका बरसात का पानी है नीचे जाता है रमेश पाइप में, अगर वो पाइप उड़ जाता है, शॉक हो जाता है, तो किचन का पाइप है उसमें चिन्हा जाता जाता है उस पाइप में, तो वो पाइप उड़ जाता है, तब ऐसी स्थिति में आपको उसको कैसे खोल सकते हैं, या घर की महिलाएं उसको कैसे खोल सकती हैं। उसमें सबसे सबसे पहले आप गर्म पानी करके उस पाइप में डाल सकते हो। गर्म पानी करके डालने से उस पाइप के साथ में जितना भी एलुमिनियम होगा वो कचरा हट जाएगा और पानी क्लीन हो जाएगा। पहला तरीका, प्रथम तरीका तो यही है, फर्स्ट सॉल्यूशन। इसके बाद अगर इससे भी क्लियर नहीं होता है तो दूसरा तरीका होता है कि उसमें आप क्या ड्रेनेज पाउडर आता है जिसे क्लीनर बोलते हैं, ड्रेनेज क्लीनर, ड्रेनेज क्लीनर क्लीनर ले और उसमें एक 100 ग्राम ड्रेनेज क्लीनर और 100 ग्राम हाइड्रेट, ये दोनों मिला के अब पाइप में पानी तो पहले से भरा रहेगा, चौके तो पानी तो भरा ही रहेगा ना, उसमें पानी तो निकलने वाला है। तो ड्रेनेज क्लीनर का पाउच ऐसे फाड़ने के बाद और उसको जहाँ पर अपना पाइप चौक है उस पाइप में ड्रेनेज क्लीनर को डाल देंगे। डालने के बाद केमिस्ट की दुकान से हम 100 ग्राम हाइड्रेट लेंगे। 100 ग्राम हाइड्रेट लेने के बाद हाइड्रेट को भी उसी में डाल देंगे। ये दोनों रासायनिक क्रिया करेंगे और रासायनिक क्रिया होने के बाद पाइपलाइन आपका अच्छे से खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका,